नमस्कार किसान भाइयों, मैं रविंद्र पड़ेदा सोमनाथ क्रॉप केयर कंपनी की तरफ से आप सभी किसान बंधुओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आज ग्राम गाजनौत के सुनील जी देवड़ा के सोयाबीन के प्लॉट पर आज विज़िट कर रहे हैं और इन्होंने अपने सोयाबीन की फसल में सोमनाथ कंपनी का सोइल सेवियर फर्टिलाइज़र अपने ज़मीन में डाला था और जिन्हें इन्हें कैसे परिणाम मिले हैं तो हम सुनील जी से जानते हैं। तो सुनील भैया, बताइए आपको सोमनाथ क्रॉप केयर के सोइल सर खाद के कैसे रिजल्ट मिले? नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील देवड़ा, गांव गाजनौत। मैंने सोयाबीन की फसल में सबसे शुरू में ये सोइल सेवियर ही खाद यूज़ किया, जिसका परिणाम रिजल्ट अच्छा रहा है। इसे सोयाबीन हर साल से ठीक दिख रही है। अच्छा, फाल वगैरह भी बहुत बढ़िया है इसमें। उसके बाद पहले स्प्रे अपन ने लीवा का किया, लिंगा लिंगा का रिजल्ट भी रहा, रिंग कटर पे भी उसका असर दिखा, कंट्रोल हुई। उसके बाद अब सेकेंड डोज अपन ने शिखर इसी सोमनाथ का प्रोडक्ट है यूज़ किया, अभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले अपने को उसके भी। अच्छा, आपने जब सोयल से डाला था तो कितने बीघे की फसल में डाला आपने? अपने लगभग 50 बीघे समथिंग में डाल रखा है। अच्छा, कितनी बोरी डाली थी आपने? 50 बोरी। 50 बोरी डाली की, एक बोरी डाली अपन ने। अच्छा, आप हर साल कौन सा खाद यूज़ करते थे? ये अपन DAP वगैरह है, इको यूज़ करते हैं। अच्छा, और इस बार आपने सोयल सेवर खाद डाला? हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। और आपको हर साल से इस बार सोयाबीन की फसल कैसी लग रही है? सोयाबीन में हाइट भी अच्छी है, ऐसा विशेष नहीं है कि हाइट भी वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। फाल वगैरह में फ़र्क है, जैसे मान लो हर साल से इस बार फाल भी दिख रहा है। अच्छा, हर साल से इस बार फाल ज़्यादा दिख रहा है। फाल भी दिख रहा है और उसके बाद पौधे में रौनक भी है। दूर से दिखता है खेत की नहीं। अच्छा, और लोग आपसे पूछते हैं बाकायदा? अच्छा, मतलब आप सोइल सेवर खाद से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको खाद एक पौधा बताते हैं। ये देखिए आप, इसमें फलियां भी अच्छी है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट है, अभी चल रही है फ्लावरिंग और आ रही है, जड़ें भी अच्छी हो रही है और पौधे में हरापन भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने सोयाबीन की खाद में सोयल सेवर खाद डाला था, जिसके इन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं। तो सुनील भैया भी संतुष्ट हैं, पिछले साल से हर साल से इस बार सोयाबीन की अच्छी है। तो सुनील भैया, आप और हमारे किसान भाइयों को क्या राय, क्या सलाह देना चाहते हैं, बताइए। राय क्या है, प्रैक्टिकल तो अपन ने कर ही रखा है। खैर, आपने तो डाल रखा, अपने को तो उचित लगा हुआ है प्रोडक्ट, ही सभी खाद भी है ठीक है, दवाई भी है ठीक है, कुछ भी यूज़ तो करते ही हर साल अपन, खाद भी यूज़ करते हैं, दूसरा भी करते हैं, पर इसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सोइल सेवर खाद से सोयाबीन भी काफ़ी रौनक में है और हर साल सुनील भैया DAP डालते थे, रासायनिक खाद डालते थे, इस बार इन्होंने ऑर्गेनिक खाद सोमनाथ कंपनी का सोइल सेवर डाला था, जिसके इन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं और हर साल से इस बार इनकी सोयाबीन भी अच्छी है, काफ़ी ग्रोथ कर रही है, फ्लावरिंग भी अच्छे हैं और जो फलियां है, फलियां भी आने लग गई है, फलियां भी अच्छी हो रही है। तो किसान भाइयों, एक बार आप सोमनाथ कंपनी के सोइल सेवर खाद को अपने प्रयोग में ज़रूर लेकर आएं, अपनी किसी भी प्रकार की फसल में इसको डालें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा परिणाम मिले, रासायनिक खाद से मुक्ति मिले, क्योंकि रासायनिक खाद से अपनी फसल तो अच्छी होती है लेकिन ज़मीन ख़राब हो जाती है, और सोइल सेवर से आपकी ज़मीन भी अच्छी रहेगी और फसल भी अच्छी रहेगी, कम खर्चे में अच्छे से अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इसके बाद हम जब सुनील भैया की सोयाबीन फसल पक के तैयार हो जाएगी, तब हम इनकी फसल और देखेंगे, जो दाने हैं वो देखेंगे, इनके उत्पादन देखेंगे और सुनील भैया उस समय भी बताएंगे हमें इन्हें कितना उत्पादन मिला है।
जय सोमनाथ, धन्यवाद।